हाय गाइस, वेलकम टू ओलीबोर्ड। मैं सौरभ, आपका साइंस फैकल्टी। और एज यूजुअल, जैसे आपकी क्लास चलती है साइंस की, तो शाम के 7 बज चुके हैं। मैं यहाँ पे हाजिर हूँ आपकी क्लास लेने के लिए। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं, जो भी बच्चे हैं। ठीक है, सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। ओके, और आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज पे बात करेंगे। ठीक है, फिजिक्स की, और देखेंगे कि साइंटिस्ट ने क्या चीज़ डिस्कवर की है, और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ऑलराइट, चलिए, तो सबको मेरी तरफ से एक बार गुड इवनिंग। फटाफट लाइव चैट में आ जाइए जो भी बच्चे हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, लाइव चैट में आएंगे, और फिर अपना हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, और सबसे एक बार मैं पूछ लूँ हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग, कि आप लोग अपने अपने घरों में अंदर हैं, सुरक्षित हैं। ठीक है, किसी को कोई किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है, है ना? एंड क्वारंटाइन टाइम चल रहा है, सबको बोरियत हो रही होगी घर पे। मैं भी काफ़ी वो बोर हो रहा हूँ, है ना? कुछ करने को नहीं रहता है पूरे टाइम, फ़ोन चला चला के थक गए हैं अपन, है ना? कुछ भी वेब सीरीज़ देखना हुआ तो वो भी देख के थक गए हैं। बिल्कुल गुड इवनिंग मेंटली। ठीक है, सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। थोड़ा सा लाइव चैट में आ जाएं, कुछ बातें करते हैं। ठीक है, फिर क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे। कैसा चल रहा है आप सबका? ओके, तो क्वारंटाइन टाइम है, सभी लोग अपने घरों में होंगे, कोई बाहर निकलता नहीं होगा, ज़बरदस्ती काम कर रहे होंगे अपने अपने घरों में, सबकी घर में पेरेंट्स लोग काम देते होंगे। ठीक है, जो अपने घरों में हैं वो काम से परेशान रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ जो अकेले हैं वो अकेले रह रह के एक रूम में परेशान है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूरे टाइम एक ही रूम में रहता हूँ, है ना? लेकिन ज़रूरी है। ठीक है, इस वक्त देश को यही ज़रूरत है कि हम सब क्वारंटाइन मोड में रहें। ठीक है, सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, और तभी सभी लोग सुरक्षित भी रह पाएंगे, है ना? और यही रिक्वायरमेंट भी है इस टाइम की। ओके, चलिए, बिल्कुल ईश्वर, चलिए लेट्स स्टार्ट अभी। ठीक है, अपना स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। और तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बीच बीच में बात करते रहेंगे, आप लोग मैसेज वगैरह करते रहिए लाइव चैट में। जिसको देखिए, एक और चीज़ है, जिसको किसी भी तरह की डाउट होती है, किसी भी तरह का एसएससी से एग्जाम से रिलेटेड आपको डाउट है, तो वो आप पूछ सकते हैं लाइव चैट में। ठीक है, और क्वेश्चन के साथ साथ आप हर तरह के डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, एज पर माई एक्सपीरियंस मैं आपसे सारी चीज़ें क्लियर करूंगा आपकी, और कोशिश करूंगा आंसर करूं। और चलिए, अब आपकी आंसर करने की बारी है। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, सभी का फटाफट आंसर आना चाहिए कि द टोटल एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, स्टीफन्स लॉ और कूलम्स लॉ। ठीक है, क्या बोल रहा है कि द टोटल एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी, ठीक है, इज इक्वल टू द फोर्थ पावर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ईश्वर ने कहा है स्टीफन्स लॉ। ठीक है, और लोग को देखते हैं जो भी लाइव है, प्लीज आकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, बिल्कुल लेना, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन स्टीफन्स लॉ। और लोग को देखते हैं, प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और फटाफट आ जाएं। ठीक है, 3 मिनट हो गए ना, इतना तो सफिशियंट होता है। बिल्कुल पूर्णा, गुड इवनिंग पूर्णा प्रकाश, सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, स्टीफन्स लॉ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टीफन्स लॉ इज द करेक्ट आंसर, यही आपका आंसर है। चलिए, नेक्स्ट, टेम्परेचर, बिल्कुल मेंटली, स्टीफन्स लॉ इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट? हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट? रजनीश गौतम, गुड इवनिंग रजनीश। संजू, इवनिंग, आई एम गुड संजुक्ता, हाउ आर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट का क्या मतलब है? होता है कि लाइट के पास क्या है, लाइट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। लाइट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, है ना? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही है। ओके, चलिए, तो इसका आंसर करेंगे फटाफट। जेम्स मैक्सवेल, रॉबर्ट पियरी, माइकल फराडे एंड प्रिस्टली। लीना, ईश्वर एंड ईश्वर ने पहला ऑप्शन किया है, जेम्स मैक्सवेल। लीना ने सी किया है, पूर्णा ने सी किया है, एंड ईश्वर ने, ईश्वर बिल्कुल मैंने देख लिया, आप एक बार भी करोगे तो मेरे पास आ जाएगा, बिल्कुल जेम्स मैक्सवेल, रजनीश। ओके, एंड संजुक्ता ने ए ऑप्शन किया, जिन्होंने ए किया है करेक्ट है। ठीक है, और लीना और किसने किया था, पूर्णा ने सी ऑप्शन किया था, माइकल फराडे इज द गलत रॉन्ग ऑप्शन। ओके, बिल्कुल फराडे नहीं होगा ईश्वर, ठीक है, क्या होगा, जेम्स मैक्सवेल, पहला ऑप्शन करेक्ट है। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट को डिस्कवर किया था, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, किसके पास, लाइट के पास। ठीक है,
चलिए थर्ड क्वेश्चन अपना आंसर करेंगे कि हु इन्वेंटेड फर्स्ट वर्किंग लेजर। ठीक है, लेजर लाइट आप लोगों ने देखी होगी, तो सबसे पहली फर्स्ट वर्किंग लेजर किसने इन्वेंट की थी, ठीक है, उसका ये क्वेश्चन है। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट वर्किंग लेजर, ठीक है, थियोडोर मेमन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, चैडविक या प्रिस्टली, किन्होंने किया था लेजर का इन्वेंशन, फटाफट आंसर करें। मेंटली ने डी प्रिस्टली। ओके, और देखते हैं, लीना फर्स्ट ऑप्शन, एंड आप क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें अपने उसमें, ठीक है, कि किस क्वेश्चन का है, जिसे मुझे पता चल जाए। थोड़ा सा लैग होता है ना, 5-10 सेकंड का लैग होता है मेरे और आपके बीच में, सो दैट्स व्हाई। ओके, फटाफट आंसर करेंगे थर्ड क्वेश्चन का। थ्री लिख करके और आप लोग क्या किया करिए, थ्री लिख करके और आप लोग उसमें लिख दिया करिए ऑप्शन नंबर दिस, ठीक है, तो मेरे पास तक वो पहुंच जाएगा। पहला ऑप्शन पूर्ण प्रकाश, सभी लोग पहला ऑप्शन कर रहे हैं, ईश्वर राघव पहला ऑप्शन, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थियोडोर मेमन, बिल्कुल लीना रजनीश, थियोडोर मेमन, इन्होंने ही क्या है लेजर का इन्वेंशन किया था ये, ठीक है। आप देख रहे होगे ये लेजर लाइट है और एक ये क्या है लेजर बीम निकल रही है, ठीक है, एक ये लेजर बीम यहाँ पे निकल रही है, ठीक है, लेजर बीम। तो लेजर का इन्वेंशन किसने किया था, थियोडोर मेमन ने, ठीक है। डॉक्टर थियोडोर मेमन ऑफ ह्यूक्स रिसर्च लेबोरेटरीज विद द फर्स्ट वर्किंग लेजर, थियोडोर मेमन डेवलप द फर्स्ट वर्किंग लेजर एट रिसर्च इन, कब किया था, 1960 में किया था, ठीक है, एंड हिज पेपर डिस्क्राइबिंग द ऑपरेशन ऑफ फर्स्ट लेजर वॉज पब्लिश इन नेचर 3 months later, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है इसमें, लेजर का फुल फॉर्म क्या ध्यान रखना है, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, लाइट एम्पली। देखिए अब यहाँ से मेरे को आपको ये बताना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे कि क्या बोलेगा कि इन लेजर ए स्टैंड फॉर, इन लेजर ए स्टैंड फॉर या E stand for, ठीक है, आपसे पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, पूछेगा इन लेजर A stand for या E stands for, तो फिर क्या लिखेंगे आप, जैसे आप अगर आपको पूरा याद है कि लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन पूरा याद है, तो आप A stand for बोल दोगे एम्पलीफिकेशन, E stand for emission, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन अपना आंसर करेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, Who among the following developed the technology of underground nuclear explosion? First option है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, second है विक्रम साराभाई, C है राजा रामन और D option है पी के एंगर, ठीक है, पी के एंगर, राजा रामन्ना, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा। Who है among the following developed the technology of underground nuclear explosion? पूर्ण प्रकाश, फोर्थ का ए, लीना सक्सेना। इतने लोग लाइव दिख रहे हैं और आंसर सिर्फ 2 लोग के आए हैं अभी तक, ये कैसे पॉसिबल है, गलत सही कुछ भी आंसर करिए ना, कुछ भी आंसर करिए, मैं बताऊंगा ना वो चीज़ें जो सही ऑप्शन होगा सबका, बिल्कुल रजनीश एंड रोशन एंड मेंटली ए ऑप्शन, बिल्कुल होमी जहांगीर बाबा इज द करेक्ट आंसर, होमी जहांगीर बाबा इज द करेक्ट आंसर। होमी जहांगीर बाबा वॉज एन इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, तो ये फाउंडिंग डायरेक्टर भी थे किसके, TIFR, अगर आपने सुना होगा TIFR या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, TIFR में हायर स्टडीज के लोग लिए लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, कॉलोकियली नोन एज फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किसे कहा जाता है, तो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, फाउंडिंग डायरेक्टर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के कौन है, तो वो भी होमी जहांगीर भाभा है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है, बाकी भी इंफॉर्मेशन उन्हीं से रिलेटेड है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं यहां से, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय, यहाँ पे एक अच्छी सी चीज बता दूं, ये जो आपके स्क्रीन पे इस वक्त इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिख रहा है, ठीक है, ये हमारी यूनिवर्सिटी का है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, जहां से मैंने पढ़ा है, फिजिक्स में मेरा बैचलर डिग्री है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपनी क्वालिफिकेशन बता दूं, तो मैंने फिजिक्स ऑनर्स से BSc किया है फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, और हम लोगों को ये दिखाया गया था लैब में ले जा करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इससे किस तरह से काम किया जाता है, तो ये वहीं की इमेज है, ठीक है,
BHU यूनिवर्सिटी की। चलिए आंसर करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय नॉल एंड रस्का, रॉबर्ट कोच, लीवन हॉक या सीपी स्वेंसन, किसने किया था? रजनीश फिफ्थ का सी, पूर्णा फिफ्थ है, ईश्वर फिफ्थ है, मेंटली फिफ्थ है, लीना फिफ्थ है। बहुत बढ़िया, ठीक है। नॉल एंड रस्का, नॉल एंड रस्का इज द करेक्ट आंसर। नॉल एंड रस्का ने ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। नॉल एंड रस्का ने ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था, ठीक है। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड दैट द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज बिल्ट बाय अर्नेस्ट रस्का एंड मैक्स नॉल इन 1931, ठीक है। और फिर क्या है, इट वॉज नॉट मोर पावरफुल देन एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बट इट डेमोन्स्ट्रेट द प्रिंसिपल दैट इज स्टिल यूज इन टूडेज सोफिस्टिकेटेड एंड पावरफुल इंस्ट्रूमेंट एंड अर्न इट्स बिल्डर अ शेयर ऑफ नोबेल प्राइज, ठीक है। तो शायद इनको नॉल एंड रस्का को नोबेल प्राइज भी इसके लिए मिला था, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम में कभी पूछे कि नॉल एंड रस्का को नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला था, तो ये भी याद रखना है किस फील्ड में मिला था। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन में, ठीक है। चलिए बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, बाद में। सिक्स्थ क्वेश्चन आंसर करेंगे, हु इनिशिएटेड द लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, हु इनिशिएटेड द लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, निकोलस कॉपरनिकस, जोहान्स केपलर, इसैक न्यूटन या गैलीलियो, जोहान्स केपलर, इसैक न्यूटन या गैलीलियो या निकोलस कॉपरनिकस, हु इनंशिएटेड द लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। प्लेनेटरी मोशन मतलब कि सन के चारों तरफ, इस फिगर में सिंपल सा दिखाया गया है कि जैसे सन है, सन के चारों तरफ हमारी अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ जो मूवमेंट करती है उसे क्या कहते हैं, प्लेनेटरी मोशन, ठीक है। तो उसके लॉज, जो लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन है वो किसने बताए हैं, तो लीना सिक्स्थ बी, रजनीश सिक्स्थ है, पूर्णा सिक्स्थ बी, ईश्वर सिक्स्थ बी, रोशन, रजनीश, मेंटली सिक्स्थ बी, बिल्कुल केपलर्स लॉ है ना, सभी लोगों ने पढ़ा है। ए ऑप्शन किसने किया था यार, रजनीश, रजनीश ने ए ऑप्शन किया था पहले, ओके, फिर बाद में करेक्ट कर लिया, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो फर्स्ट बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, केपलर्स लॉ। आप पढ़ते हो ना केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, तीन लॉ इन्होंने दिए हैं। केपलर ने कितने लॉ दिए हैं, तीन लॉ, ठीक है, तीन लॉ इन्होंने प्लेनेटरी मोशन के दिए हैं। क्या क्या दिए हैं सामने आपके, ठीक है, क्या क्या दिए हैं, ये लॉ सामने है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन आर थ्री साइंटिफिक लॉज डिस्क्राइबिंग ऑर्बिटल मोशन, ईच गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। द लॉज आर, पहला लॉ है यहाँ पे, द ऑर्बिट ऑफ एवरी प्लैनेट इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट द वन ऑफ टू फोकस या फोसी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये इलिप्टिकल पाथ। अब फिर से आ जाइए, फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा, और फिर से एक बार फिगर देखिए, फिगर में आपको दिख रहा होगा ये क्या दिख रहा है आपको, इलिप्टिकल एक ऑर्बिट दिख रहा है, इलिप्टिकल पाथ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। इलिप्टिकल पाथ मतलब अंडाकार, अंडे की तरह का पाथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लॉ क्या है, अ लाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या बोल रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट, ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट, द लाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट टू द सन, ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ये देख रही है कि जब इस तरह, जब प्लैनेट दूर रहेगा और ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, तो ये जितने टाइम में इतना एरिया कवर करेंगे, जितने टाइम में इतना एरिया कवर करेंगे, अगर प्लैनेट पास में जाएगा तो भी उतने ही टाइम में जो एरिया कवर करेगा प्लेनेट, वो एरिया क्या होगा, इक्वल एरिया होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो इक्वल एरिया होगा। तो ये सेकेंड लॉ है, ठीक है। थर्ड लॉ क्या है, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द प्लेनेट, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द प्लेनेट मतलब टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट, प्रपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट, मतलब टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस के डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल ए ले लीजिए तो सेमी मेजर एक्सिस की क्यूब, ठीक है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ये क्या है, थर्ड लॉ ऑफ केपलर मोशन है, ठीक है। तो ये तीन लॉ है केपलर के। चलिए सेवन्थ क्वेश्चन आंसर करेंगे, हु इन्वेंटेड हेलीकॉप्टर, हु इन्वेंटेड हेलीकॉप्टर, कॉकरेल, ब्रिक्वेट, इगोर सिकोरोस्की, फ्रैंक विटल, किसने हेलीकॉप्टर, यहाँ पे इमेज है आपके सामने, हेलीकॉप्टर को किसने इन्वेंट किया था, कॉकरेल, ब्रिक्वेट, इगोर सिकोरोस्की या फ्रैंक विटल, फटाफट सेवन क्वेश्चन का आंसर करेंगे। लीना सेवंथ का सी, इगोर सिकोरोस्की, पूर्ण प्रकाश सेवंथ के सी, इगोर सिकोरोस्की, ठीक है। चलिए और लोग का देख लेते हैं, बिल्कुल ईश्वर एंड मेंटली, सभी लोगों ने आंसर किया है सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हेलीकॉप्टर का इन्वेंशन किसने किया, इगोर सिकोरोस्की ने
इसको इन्वेंट किया है। एट्थ क्वेश्चन देखेंगे, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक ट्रैम, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक ट्रैम, इलेक्ट्रिक ट्रैम का इन्वेंशन किसने किया है। इलेक्ट्रिक ट्रैम क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि बंगाल वगैरह में इस तरह का एक वो चलता है ना, बस टाइप का, ट्रेन या बस कह लें इसको, बस लगभग बस से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी होती है और ट्रेन की तरह पूरे सिटी में ये धीरे धीरे मूव करता रहता है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैम कहते हैं। यहाँ पे आपके फिगर बना होता है, इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक ट्रैम। इसको इन्वेंशन किसने किया था इलेक्ट्रिक ट्रैम का, जेम्स कुक, विलियम हार्वे, फ्योडोर पिरोट्स्की या रॉबर्ट बॉयल। एट का बी ऑप्शन, विलियम हार्वे, लीना कह रही है। और लोग का देखते हैं, फटाफट आंसर करें। मेंटली ने एट का ए किया है, और लोग का देखते हैं, और लोग क्या आंसर कर रहे हैं, प्लीज आंसर करें फटाफट। ओके, बिल्कुल लीना, कोई बात नहीं, नॉट सो श्योर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्योडोर पिरोट्स्की इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फ्योडोर पिरोट्स्की इज द करेक्ट आंसर, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक ट्रैम। तो फ्योडोर पिरोट्स्की ने इलेक्ट्रिक ट्रैम का इन्वेंशन किया था, ठीक है। चलिए नाइन्थ है, हु हैज इन्वेंटेड द लाइटनिंग कंडक्टर। नाइन्थ क्वेश्चन है, हु हैज इन्वेंटेड द लाइटनिंग कंडक्टर। पहला ऑप्शन है जेम्स कुक, दूसरा ऑप्शन है विलियम हार्वे, तीसरा है फ्योडोर पिरोट्स्की अगेन, लेकिन अभी तो आपको पता है सी ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन। पूर्ण प्रकाश नाइन्थ का डी कर रही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन लाइटनिंग कंडक्टर का किया है। लीना ने भी नाइन्थ डी, रजनीश गौतम ने नाइन्थ डी किया है, ठीक है। और लोग का देखते हैं, फटाफट किया करिए आप लोग आंसर, तुरंत क्वेश्चन पढ़ा एंड तुरंत फटाफट आप लोग आंसर किया करो। ओके, नाइन्थ का डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने क्या किया, लाइटनिंग कंडक्टर का क्या किया है, इन्वेंशन किया है। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होते हैं, बेसिकली बिल्डिंग्स में, जैसे इमेज में दिखा रहा है, बिल्डिंग्स में क्या होता है, एक कंडक्टर लगाया जाता है जो डायरेक्ट कहां से कनेक्ट होता है आपका, डायरेक्ट यहां अंडरग्राउंड से कनेक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्ट यहां पे अंडरग्राउंड ये कनेक्टेड होता है, डायरेक्ट ये अंडरग्राउंडेड कनेक्ट होता है। नीचे क्या लगी होती है, कॉपर की प्लेट, सीयू की है ना, कॉपर की प्लेट लगी होती है नीचे, और उसी से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है क्या, एक रॉड लाइटनिंग कंडक्टर की, जो इस तरह से होता है जब भी कभी लाइटनिंग होती है, तो इसी तरह अगर आपके घर के ऊपर बिजली गिरी तो क्या होगा, इस कंडक्टर ये सारी बिजली को कहाँ ट्रांसफर कर देगा, अर्थ पे ट्रांसफर कर देगा, और आपका घर क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये सबके घर में लगाया जाता है लाइटनिंग कंडक्टर, क्यों, क्योंकि इससे आपके घर को नुकसान ना हो, ठीक है, किसी भी तरह का हार्म ना हो। ओके, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग कंडक्टर का इन्वेंशन किया था। टेंथ क्वेश्चन करेंगे, हु इन्वेंटेड मशीन गन, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पे भी इमेज में दिख रहा है, सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये हाविट्जर एक तरह की मशीन गन है, हु इन्वेंटेड मशीन गन, कॉकरेल, ब्रिक्वेट, रिचर्ड गैटलिंग या फ्रैंक विटल, किसने किया था मशीन गन का इन्वेंशन, कॉकरेल, ब्रिक्वेट, रिचर्ड गैटलिंग या फ्रैंक विटल, किसने मशीन गन का इन्वेंशन किया था, प्लीज सभी लोग आंसर करें, ठीक है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग जब भी लाइव देख रहे होते हैं ना, प्लीज आंसर किया करो आप लोग सारे क्वेश्चंस का, अच्छा लगता है देख के। टेंथ का बी ऑप्शन, रजनीश गौतम, ब्रिक्वेट। मेंटली ने टेंथ का सी किया है, बिल्कुल ईश्वर, M249, बहुत बढ़िया ईश्वर, ईश्वर को शायद गन की ज्यादा नॉलेज है। लीना टेंथ का सी, रिचर्ड गैटलिंग, एंड बिल्कुल, तो लीना एंड मेंटली ने सही आंसर किया है, ठीक है। ओके, ईश्वर यहाँ पे बता रहे हैं ये गन कौन सी है, ठीक है, M249 गन, और आंसर उन्होंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, रिचर्ड गैटलिंग इज द करेक्ट आंसर। ओके रजनीश, ब्रिक्वेट नहीं होगा, रिचर्ड गैटलिंग इज द करेक्ट आंसर, मशीन गन का इन्वेंशन रिचर्ड गैटलिंग ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने मूव करते हैं, 11th क्वेश्चन पे, कि हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रोमैग्नेट, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रोमैग्नेट, विलियम स्टैनले, विलियम स्टर्जियन, विलियम हार्वे या फ्योडोर पिरोट्स्की, ठीक है। इसका आंसर करेंगे, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी द्वारा बनाया हुआ चुंबक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, उसके द्वारा बनाया हुआ चुंबक, ठीक है। जैसे बैटरी से आप देख रहे होंगे, क्या किया है, एक नेल को, ठीक है, एक यहाँ पे नेल को कनेक्ट किया और वायर उससे एक तरह से कॉपर वायर को ऐसे ऐसे क्या किया, कॉइल है ना, एक कॉइल फॉर्म में इस तरह से लपेटा गया और बैटरी के दोनों एंड से जोड़ दिया गया, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव एंड से। तो वो क्या करेगा, ये जो यहाँ पे कॉपर वायर इस नेल पे लपेटा है, तो ये एक तरह का मैग्नेट का काम करेगा, ठीक है, ये मैग्नेट का काम करेगा।
और बिल्कुल आंसर मेंटली 11th है, लीना 11th है, ईश्वर 11th बी, रजनीश 11th सी, पूर्ण प्रकाश 11th बी, और आंसर सिर्फ और सिर्फ रजनीश का सही है, ठीक है, सॉरी रजनीश का गलत है, ईश्वर और पूर्णा का सही है, ठीक है, विलियम स्टर्जियन इज द करेक्ट आंसर, विलियम स्टर्जियन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, विलियम स्टर्जियन ने इलेक्ट्रोमैग्नेट की खोज की थी, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको पता होगा कि जैसे ये नॉर्थ पोल है, जैसे ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में अंदर साइड है ना, ये जैसे क्वाइल है, क्वाइल के ये अंदर साइड क्या होता है, अंदर साइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, अंदर साइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है और बाहर की तरफ वीक होती है, क्यों, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं, दूर दूर हैं, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से दूर दूर हैं, लेकिन अंदर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आकर के बहुत पास पास हो जा रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर ये ध्यान रखना है कि अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है और बाहर कम होती है, और यही सेम चीज मैग्नेट में भी होता है, ठीक है, कि मैग्नेट के बीच में या मैग्नेट के पोल्स में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इन कंपैरिजन टू आउटर एरिया, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, विलियम स्टर्जियन इज द करेक्ट आंसर 11th का, ठीक है। 12th क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड गामा रेज। यहां पे सर्न, पॉल विलार्ड और विलियम ग्रोव या फ्योडोर पिरोट्स्की, हु डिस्कवर्ड गामा रेज। गामा रेज का इन्वेंशन किसने किया था ये आपको बताना है, गामा रेज का इन्वेंशन किसने किया था, हु डिस्कवर्ड गामा रेज। मेंटली ने 12th का बी किया है, पॉल विलार्ड, एंड और लोग करते हैं, बस एक ही आंसर आया है, सभी लोग करें आंसर यहाँ पे, हु डिस्कवर्ड गामा रेज, पूर्णा 12th का बी। आप लोग सर्च कर रहे हो क्या, इतना आंसर करने में टाइम क्यों लग रहा है, सर्च कर रहे हो क्या, हु डिस्कवर्ड गामा रेज, देन अभी सबको आंसर करना है ना, ऐसा कुछ कर रहे हो क्या, अगर ऐसा कर रहे हो तो बताओ हाँ या ना। लीना ने 12th आंसर किया है, पॉल विलार्ड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पॉल विलार्ड इज द करेक्ट आंसर, पॉल विलार्ड ने ही गामा रेज का इन्वेंशन किया था, गामा रेज का इन्वेंशन पॉल विलार्ड ने ही किया था, ठीक है, तो पॉल विलार्ड इज द करेक्ट आंसर, गामा रेज इन्वेंटेड बाय पॉल विलार्ड, सॉरी इन्वेंटेड नहीं डिस्कवर, ठीक है। देखिए डिस्कवर और इन्वेंटेड में आप लोग को डिफरेंस पता है ना, इंग्लिश के टर्म में मैं पूछ रहा हूँ, बस जानना जरूरी है, ठीक है। इन्वेंशन का मतलब होता है जब आप कोई चीज खोजो, है ना, कोई किसी चीज को खोजो तो उसे क्या कहते हैं, इन्वेंशन, ठीक है। लेकिन मतलब फॉर एग्जांपल आपने उसके ऊपर काफी काम किया, आपने लैब में रिसर्च की, कोई मशीन बनाई, उसे क्या कहते हैं, इन्वेंशन। और डिस्कवर मतलब क्या होता है कि वो चीज पहले से नेचर में प्रेजेंट है, और आपने उसे ढूंढ निकाला, उसे कहते हैं डिस्कवरी, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा कभी, और ये इंग्लिश में पूछा जाता है, ठीक है, डिस्कवरी और इन्वेंशन, मतलब इनके बीच में ये देखा जाता है कि क्या आपको इनके बीच का डिफरेंस पता है कि नहीं। ओके चलिए, तो हु डिस्कवर्ड गामा रेज, पॉल विलार्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए गामा रेज क्या है, गामा रेज पहले से नेचर में प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि आप देखें तो सन से हमारे सूरज से क्या आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड गामा रेज, है ना, ये सब क्या वैक्यूम से ट्रेवल करके आपके अर्थ पे आते हैं, ठीक है। तो गामा रेज पहले से ही हमारे नेचर में प्रेजेंट थे, ठीक है, उसका किसी ने इन्वेंशन नहीं किया, ठीक है, उसकी डिस्कवरी हुई है, ठीक है। तो दोनों चीज में ध्यान देंगे कि डिस्कवरी कब यूज होता है और इन्वेंशन कब यूज होता है, ठीक है। 13th क्वेश्चन आंसर करेंगे, हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप, ठीक है, ये सामने आपके टेलीस्कोप बना हुआ है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज होता है, और इसका इन्वेंशन किसने किया था, हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप, हंस लिपर्शे, पॉल विलार्ड, विलियम हार्वे या एडमे रिग्नर, किसने किया था टेलीस्कोप का इन्वेंशन। रजनीश गौतम, गलत ऑप्शन है, विलियम हार्वे नहीं है टेलीस्कोप के इन्वेंटर, ठीक है। और लोग का देखते हैं आंसर क्या आता है, टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया किसने किया था, हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप, हंस लिपर्शे, पॉल विलार्ड, विलियम हार्वे, एडमे रिग्नर, या आंसर करेंगे किसने किया था टेलीस्कोप का इन्वेंशन, हंस लिपर्शे, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हंस लिपर्शे इज द करेक्ट आंसर, इन्होंने ही टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था, ठीक है, इन्होंने ही टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था, हंस लिपर्शे ने, ठीक है। 14th क्वेश्चन अपना देखते हैं कि डब्ल्यू सी रोएंटगन गॉट द नोबेल प्राइज इन 1901 फॉर द डिस्कवरी ऑफ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, दो तीन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है।
जो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो तीन क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट। लीना 13 का डी नहीं, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, डब्ल्यू सी रोइंड गॉट द नोबेल प्राइज इन 1901 फॉर द डिस्कवरी ऑफ। रजनीश गौतम 14 का ए, बिल्कुल अमृत, हेलो अमृत, ठीक है। चलिए आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, डब्ल्यू सी रोइंटगन गॉट द नोबेल प्राइज इन 1901 फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा पार्टिकल या बोसोन। अमृत ने ये ऑप्शन किया, पूर्णा ने ये ऑप्शन किया, रजनीश ने ये ऑप्शन किया, ठीक है। एक्स रेज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डब्ल्यू सी रोइंटगन, देखिए अब यहाँ पे आपको दो चीज पता हुई, एग्जाम में एक क्वेश्चन और क्या आएगा कि एक्सरे का इन्वेंशन किसने किया, तो रोइंटगन ने किया, डब्ल्यू सी रोइंटगन ने एक्सरे का इन्वेंशन किया, ठीक है। तो अल्टरनेट क्वेश्चन ये हो गया, बिल्कुल लीना, ठीक है, 14 का ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज 1901 में मिला, ठीक है। ये मान लीजिए फिर भी ना पूछा जाए कि कब मिला, एक्सरे के डिस्कवरी में कब नोबेल प्राइज मिला, ये जरूर ना पूछा जाए, लेकिन ये पूछा जाएगा कि सबसे पहला नोबेल प्राइज फिजिक्स में कब मिला, सबसे पहला नोबेल प्राइज है ये सबसे पहला नोबेल प्राइज है 1901 में, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डाल दिया कि यहाँ पे दो तीन चीजें बता दूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहला नोबेल प्राइज ये मिला 1901 में, किसमें, फिजिक्स में, मैं ओवरऑल नोबेल प्राइज की बात नहीं कर रहा, फिजिक्स में सबसे पहला नोबेल प्राइज था 1901 का। और किसको मिला ये भी पूछ सकता है, डब्ल्यू सी रोइंटगन किसके लिए मिला, तो एक्स रेज, ठीक है। तो ये तीन चार चीजें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन 14th आपका इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। और चलिए आज के अपने 15th और लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हु हैज इन्वेंटेड स्टेथोस्कोप, हु हैज इन्वेंटेड स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं हार्ट बीट वगैरह चेक करने के लिए, ठीक है, पेशेंट्स लोग का चेकअप के लिए यूज करते हैं, क्या स्टेथोस्कोप, हु हैज इन्वेंटेड स्टेथोस्कोप, ठीक है। हंस लिपर्शे, रेने लेनेक, डॉक्टर विलियम स्टैनले या एडमे रिग्नर। 14th का ए ऑप्शन किया था लीना ने, बिल्कुल सही था 14th का ए, ठीक है लीना। चलिए रजनीश गौतम 15th का सी, अमृत रेलवेज ने सी ऑप्शन किया, विलियम स्टैनले, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे गलत है, ठीक है, सी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। देखते हैं और लोग क्या आंसर करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसको आंसर करिए फटाफट सभी लोग और फिर इसके बाद क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। लीना 15 का सी, मेंटली 15th का ए, हंस लिपर्शे, ए ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। क्या आंसर होगा, 15th का बी, ठीक है, रेने लेनेक ने क्या किया था, इसका इन्वेंशन किया था, स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन रेने लेनेक ने किया था, ठीक है, स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन रेने लेनेक ने किया था, ठीक है। चलिए तो ये थे इन्वेंशन और डिस्कवरीज के क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे 15th क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपकी ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ, तो लेकिन मेरा एक काम है कि देखिए इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज तो हजारों हुई हैं, ठीक है, थीके? और ना हजार आप याद रख सकते हो ना हजार मैं याद रख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिया ना 15, ये ऑलमोस्ट आपके जो भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, सारे कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, चाहे वो RRB NTPC हो आपका, चाहे SSC CGL हो, चाहे CPO हो, चाहे CHSL हो, सारे एग्जाम में ये आया हुआ है, ठीक। अमृत अनएक्सपेक्टेड हो गया, कोई नहीं अमृत, ठीक है, नहीं पढ़ा रहा होगा इसीलिए, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक काम है कि मैं आपको चीज़ें उस तरह से बताऊँ ना कि आपको एक ओवरव्यू मिले कि मुझे किस तरह से पढ़ना है, ठीक है, ये मैं चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। जैसे ये 15 क्वेश्चन है, मुझे पता है ये 15 क्वेश्चन बस ही इन्वेंशन या डिस्कवरीज नहीं है, है ना, 100 आपको लगभग 50 से 100 पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन आपको कम से कम एक ओवरव्यू मिलेगा कि सर ने इस तरह के क्वेश्चंस कराए थे, तो एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चंस है ना ये हर जगह आए हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ SSC CGL CHSL CPO MTS RRB NTPC इन सभी जगह में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिया, और आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। और आज फिजिक्स का किया है, कल यही चीज़ केमिस्ट्री का करेंगे, ठीक है, और उसमें केमिस्ट्री में डिस्कवरीज ज़्यादा होती हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो कल का केमिस्ट्री का लेक्चर रहेगा, और परसों उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का रहेगा, बायोलॉजी का तो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है, बायोलॉजी के तो 20-25 करवाऊंगा मैं आपको, ऑलमोस्ट 25 तो करवाऊंगा ही, ठीक है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।